स्टूडेंट नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी हाइपोथेसिस हाइपोथेसिस की अगर हम बात करते हैं तो हाइपोथेसिस अ प्रपोजिशन दैट हैज एटलीस्ट टू वेरिएबल्स एंड हैज़ येट टू बी टेस्टेड हाइपोथेसिस एक ऐसी रिसर्च स्टेटमेंट होती है जिसमें दो वेरिएबल्स मौजूद हो और उन वेरिएबल्स को एम्पेरिकली टेस्ट किया जा सकता हो हाइपोथेसिस की एक टाइप है काजअल हाइपोथेसिस हाई काजअल हाइपोत्सिस इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ काजुअल एक्सप्लेनेशन और प्रोपोजिशन दैट हैज़ एट लीस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड हैज़ येट टू बी एम्पेरिकली टेस्टेड जब हम हाइपोस uh, में ये अज्यूम कर लेते हैं कि एक वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट है और दूसरा वेरिएबल हमारा डिपेंडेंट है तो उसको हम काजुअल हाइपोत्सिस कहते हैं अगर हम हाइपोथेसिस के करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक है हाइपोथेसिस की कि दे हैव एट लीस्ट टू वेरिएबल हाइपोथेसिस में सिंगल वेरिएबल नहीं होता उसमें ये फर्स्ट uh, कर, उसकी करैक्टरिस्टिक है कि उसमें दो वेरिएबल्स होने चाहिए एंड हाइपोथेसिस शुड एक्सप्रेस अ काजुल और कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स तो काजुल हाइपोथेसिस में हम ये मानते हैं कि अगर काजुल हाइपोथेसिस है तो फिर उसमें हमें नेचर ऑफ़ रिलेशनशिप डिटरमिन करना पड़ेगा कि कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और कौन सा डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड काजुअल हाइपोथेसिस आल्सो कैन बी एक्सप्रेस एज अ प्रेडिक्शन और एन एक्सपेक्टेड फ्यूचर आउटकम्स तो ये इसको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस भी हम कहते हैं कि हाइपोथेसिस में हम ये देख रहे होते हैं कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को प्रेडिक्ट कर रहा है एंड दे आर लॉजिकली लिंक टू अ रिसर्च क्वेश्चन एंड अ थ्योरी हाईपाथस जो है वो रिसर्च क्वेश्चन के साथ लिंक्ड होते हैं और रिसर्च ऑब्जेक्टिवस के साथ लिंक्ड होते हैं एंड हाईपोथस आर फालसफाइबल इट मीन्स डैट देर इज़ नो सर्टनिटी कि अगर आपने एक हाईपोथस डिवेल्प किया है तो वो अप्रूव भी होगा तो उसकी रिजेक्शन के चांसिस हमेशा रहते हैं अगर आप कोई ऐसा हाइपोस बनाते हैं जिसकी फालसिफाइबलिटी की चांसिस नहीं है तो वो फिर हाईपोथस नहीं है हाउ टू राइट काजुल हाइपोस तो यहाँ पर मैंने कुछ आपको एग्ज़ाम्पल एक ही uh, जो है हाइपाज uh, uh, को डिफरेंट पेज से लिखा है जैसे रिलीजियस अटेंडेंस काजस रिड्यूस डाइवोस ये काजुल हाइपॉसिस है जिसमें हम बता रहे हैं कि रिलीजियस अटेंडेंस जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और uh, ये डायवोस को रिड्यूज करता है ये काजुलल के साथ डायरेक्शनल भी है यानी हम इसमें ये एज्यूम कर रहे हैं कि अगर आपकी रिलीजियस अटेंडेंस जो हाई है तो वो आपकी जो है डायवोर्स रेट को रिड्यूस करेगा रिलीजियस अटेंडेंस लीज टू रिड्यूस डाइवोर्स ये भी उसी का एक वे ऑफ राइटिंग हाइपोथेसिस है काजवल रिलीजियस अटेंडेंस इज रिलेटेड टू रिड्यूस डाइवोर्स अब ये जो हाइपोथेसिस है, है ये काजवल इन नेचर नहीं है ये सिंपल हाइपोथेसिस है रिलीजियस अटेंडेंस इन्फ्लुएंसेस द रिडक्शन ऑफ डाइवोस तो ये फिर काजवल है रिलीजियस अटेंडेंस इज एसोसिएटेड विद रिड्यूस डाइवोस तो इट इज़ अगेन नॉन काजबल यानी हमने जब हम लिखते हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि काजवल हाइपोथेसिस में ये क्लियर हो कि कौन सा जो वेरिएबल है वो काज है और कौन सा जो वेरिएबल है वो आउटकम है